हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिस्टी की तिवारी चैनल। तो आज हेयर केयर का हमारा 4 मंथ का 4 वीक है। इस वीक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर को कलर कैसे कर सकते हो या फिर अपने वाइट हेयर को चेंज कैसे कर सकते हो, उनका कलर चेंज कैसे कर सकते हो, चाहे आप उसको ब्लैक बनाओ या ब्राउन बनाओ या किसी भी कलर का बनाओ, तो कैसे चेंज कर सकते हो वो बताने वाली हूँ। अपने हेयर कलर को चेंज करने के लिए बहुत ही अलग अलग चीज़ें, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके आप उनका कलर चेंज कर सकते हो। तो जो बिल्कुल एशियन टाइम था ना, बिल्कुल हमारे पूर्वज क्या यूज़ करते थे अपने हेयर के कलर को चेंज करने के लिए, वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो उनके कलर जो है हेयर का, वो वाइट होता ही नहीं था, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उनके हेयर बहुत ही ज़्यादा एज में जाकर वाइट होते थे। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। हीना का यूज़ तो वो डेफिनेटली करते ही थे। हीना भी एक अच्छी चीज़ है जो आपके हेयर के कलर को भी चेंज करती है और आपके हेयर को सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की, स्मूथ, घना घना सब कुछ करती है आपके बालों को। वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाती है कि बहुत ज़्यादा घने घने बाल हैं आपके, स्कैल्प बिल्कुल भरी पड़ी है बालों से, ऐसा दिखाती है। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उसमें से 2 से 3 प्रोडक्ट मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, जिनका यूज़ आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए। महीने में एक बार कम से कम कर लो तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा टाइम है तो 15 दिन में एक बार कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा आंवला। आंवला का यूज़ आप अपने खाने में भी कर सकते हो और अपने पाउडर जो फॉर्म आता है उसको अपने हेयर पर भी लगाइए, तो इससे भी बहुत अच्छे बेनिफिट आपके हेयर को मिलते हैं। तो ये है आंवला। आंवला का पैकेट जो है वो मैंने निकाल लिया है और इसको मैं कट कर लेती हूँ। आंवला भी मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरह के आते हैं, तो आपको जो आंवला लेना है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेना है, क्योंकि जो थोड़ा सा दानेदार होता है ना, वो अच्छे से आपकी हीना में मिलता नहीं है, जिसकी वजह से वो जब आप उसका एप्लीकेशन करते हो तो वो गिरता रहता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है एक और प्रोडक्ट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो है यहाँ पर, ये देखिए, सिकाकाई और रीठा। ठीक है, आंवला, सिकाकाई, रीठा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। जब मैं अपने बचपन में छोटी थी तो इस टाइप के पाउडर वगैरह नहीं होते थे, तो इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ मैं करती थी। साबुत आते थे ये, इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ करके मैं शैम्पू बनाती थी। अगर आपको जानना हो कि आपको शैम्पू कैसे बनाते थे, कमेंट करना, मैं ज़रूर बता दूंगी। बेस्ट शैम्पू है वो वर्ल्ड का, उसकी वजह से आपके हेयर पर कोई भी नुकसान नहीं आने वाला है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे। आपके हेयर के जो प्रॉब्लम है, बहुत तरह की डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपके ब्लैक हेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्कैल्प आपकी भरना स्टार्ट हो जाएगी, आपके हेयर में बाउंस आएगा, वो बाउंसी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। आप जब भी अपने हेयर को टच करोगे तो लगेगा कोई मखमल वाली चीज़ मैं टच कर रही हूँ। आजकल हम अपने हेयर को टच करते तो बहुत ही खुरदरापन लगता है, क्योंकि शैम्पू हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इनका यूज़ आप अपने हेयर के कलर को चेंज करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपना पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक इस तरह का लोहे का बर्तन। आप चाहो तो, अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा सिकाकाई और रीठा का पाउडर है वो ले लेते हैं। ये ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, इसका कलर आप देख सकते हो कितना डार्क है। तो सेम यही कलर आपके हेयर पर भी आने वाला है, किसी भी कंपनी का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप किसी अच्छी कंपनी का लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना आंवला पाउडर, ये लगभग 2 चम्मच के करीब है, और 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर लेंगे बिल्कुल अपना आंवला पाउडर। आप देख सकते हो बिल्कुल पाउडर वाला है ये। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नुपुर हीना। ये 100% प्योर है, आप कोई भी ले सकते हो। मुझे जब नेहा नहीं मिलती है, नेहा मेहंदी, तो मैं नुपुर मेहंदी ले लेती हूँ। और ये देखिए, 2 जनों का आज पैक बन रहा है, तो आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हो। तो ये देखिए, मैं लगभग इतना ले लूँगी, आप अंदाजे से ले लेना, क्योंकि ये फूल कर डबल हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और हम इसको मिक्स करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। तो मैं इसे पहले तो सूखे में ही मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप इसमें दही डाल सकते हो। ठीक है, दही के अलावा आप इसमें
नॉर्मल जो वाटर होता है उससे भी इसको मिक्स कर सकते हो। आज मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अपने टोनर से, जो मैंने ओनियन का टोनर बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो इससे पहले वाला हेयर केयर का वीडियो है, उसमें मैंने वो टोनर बनाना आपको सिखाया था, वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। उसी से मैं इसको मिक्स करूँगी। वो टोनर जो है हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आप सबको पता ही है कि ओनियन जो है वो हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर आपके बाल को उगाने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं आपके ओनियन में जो आप देख सकते हो गूगल पर सर्च करके, कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो उस टोनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर देखना। उसी टोनर से अगर आप इसको बनाओगे तो आपके रिज़ल्ट जो हैं वो 100% हो जाएंगे। तो ये रहा मेरा वो टोनर, मुझे दूसरा टोनर बनाना है। इसको मैं 4 से 5 दिन यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसी को थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए इकट्ठे ही आपको वाटर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालना और उसके बाद इसको मिक्स करते रहना। लास्ट में हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो अगर किसी को डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसमें हाफ जो नींबू होता है वो भी ऐड कर सकता है। तो मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो इसी वजह से मैं नींबू यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद देखिए मैं एक दो चीज़ें और इसमें ऐड करूँगी। अभी ही इसी टाइम ही मैं मिक्स कर दे रही हूँ, मॉर्निंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं एलोवेरा इसमें डालूँगी। एलोवेरा यूज़ किए हुए काफ़ी दिन हो गया है और मैं एलोवेरा जो है वो बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि इतने सारे पैक वगैरह बनाते हैं तो मुझे एलोवेरा को यूज़ करना याद ही नहीं रहता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए फिगारो का ऑलिव ऑयल। आप इसकी जगह कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, जो भी तेल आपके पास हो उसमें से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हो। बट ऑलिव ऑयल यूज़ करोगे तो ये आपके हेयर को रीग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो तिल का तेल और हमारा ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे होते हैं हेयर के लिए, इनको आप ज़रूर अपने हेयर मास्क वगैरह में या हेयर पैक वगैरह में यूज़ किया कीजिए। तो मेरे हेयर वैसे तो ऑयली हैं बट अपने हेयर पर ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हाफ स्पून के करीब मैं अपना ले लेती हूँ फिगारो का ऑयल, ठीक है, स्किप नहीं करना है। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि अगर हम मेहंदी में ऑयल ऐड करेंगे तो हीना का जो कलर है वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपने अपने हेयर पर अगर टोनर भी लगा रखा है आप उसके बाद भी अपने हेयर पर हीना का एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको स्किप नहीं करना है कि मैंने आज टोनर लगा रखा मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप टोनर के ऊपर भी इसको लगा सकते हो। तो बिल्कुल पास से मैं दिखाती हूँ, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। यहाँ पर देखिए हमारे जो हीना पैक है उसका कलर चेंज होने लगा है, कारण कि हमने यहाँ पर आयरन का बर्तन लिया है। तो लोहे का बर्तन लेना ज़रूरी है अगर आपको अपने हेयर को कलर चेंज करना है। आप सबको पता ही है कि पुराने टाइम में जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पर ऐसे स्टील वगैरह के तो बर्तन होते नहीं थे, अधिकतर तांबे पीतल और ये लोहे के बर्तन ही होते थे। तो लोहे के बर्तनों में वो इस टाइप के पैक वगैरह बनाकर अपने हेयर वगैरह पर लगाते थे। तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे तो हमारे हेयर का कलर जो है उन्हीं के जैसा हो जाएगा। और हीना पैक आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने हेयर पर, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, धीरे धीरे करके इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये और भी थिक होता जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप हीना पैक बनाते हो मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ देखिए आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा होगा, जितना हम इसको घुमाएंगे जितना टर्न करेंगे जितनी देर रखेंगे उतना इसका कलर चेंज होता रहेगा, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो मैं इसको रखने वाली हूँ, मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप हीना बनाते हो तो आप उसको कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए ज़रूर रखा कीजिए। मैं इसको ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं इसको अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ। तो जो इसका एप्लीकेशन है वो सेकंड चैनल पर मिलेगा आपको, कोलकाता टू दिल्ली ब्लॉगर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका वीडियो एप्लीकेशन का वीडियो वहीं आएगा उसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी।
तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी जो मेहंदी का कलर है बिल्कुल डार्क हो चुका है। ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, डार्क कलर की हो गई है ये। और जितना मैं इसको घुमा रही हूँ, पलट पलट कर रही हूँ, उतना ही ये नीचे से ब्लैक कलर की निकलती जा रही है। देखा आपने? तो बस आप इसको बनाइए, यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।